लिए आप भी। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आप सभी को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ, जो एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है, जो आपका बहुत बेसिक सब्जेक्ट है। स्टार्टिंग से ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में, कहीं फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में ही, कुछ लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है, कुछ लोग का सेकेंड सेमेस्टर में, वो आपका कॉलेज का रहता है कि कॉलेज किस डिपार्टमेंट मतलब किस किस ब्रांच को पहले करा रहा है और किस किस ब्रांच को बाद में करा रहा है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सब्जेक्ट है, इसको आप सब लोग बहुत अच्छे से समझें और हम उम्मीद करते हैं कि आप रेगुलर क्लास कर रहे होंगे तो चीजें बहुत आसान आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। हमने बहुत इजी तरीके से आपको सारी बातें बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो आगे हम सब लोग बढ़ते हैं। आज आपका फोर्थ क्लास है, तीन क्लासेस हम सब लोग पहले से कर चुके हैं और ओवरऑल थ्री में अगर आप देखें तो फंडामेंटल्स आपके क्लियर हुए होंगे। फोर्थ क्लास जो है ये आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, हम इस पर और भी चर्चाएं करेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे, कुछ हम सब लोग चीजों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, जैसे बात आई थी फोर्स के बारे में, हम सब लोग बहुत कुछ डिटेल में करते जा रहे हैं, फोर्स के बारे में समझ रहे हैं, पर अब फोर्स को अगर हमें कम्प्लीटली डिफाइन कम्प्लीटली करेक्टराइज करना है तो क्या क्या चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगी, बता भी चुके हैं पर चीजों को एक बार फिर से आप समझें, अपने से भी क्लियर करें। तो अ फोर्स इज करेक्ट कम्प्लीटली डिफाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कम्प्लीटली डिफाइंड, बिकॉज अगर हम इसको कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं तभी हम इसके प्रभाव को जान पाएंगे अच्छे से, और इफेक्ट को पढ़ना ही हमारा मेन मोटिव होगा इस पूरे सब्जेक्ट का। अ फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड ओनली व्हेन फॉलोइंग फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर। ठीक है, फोर्स इज कम्प्लीटली डिफाइंड बाय विद फॉलोइंग फोर, व्हेन को काट दीजिए, ठीक है, बाय फॉलोइंग फोर कैरेक्टरिस्टिक्स आर। तो अब ध्यान रखिएगा, फोर्स को हम चार निम्नलिखित चार कैरेक्टरिस्टिक्स से जान पाएंगे। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड वन इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन एंड डायरेक्शन। पहले से भी हम आपको बता चुके हैं कि फोर्स एक सदिश राशि, भले क्या है सदिश राशि, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटिटी है तो मेजरेबल है, मेजरेबल है तो उसका कुछ वैल्यू होगा। वैल्यू आप समझ भी पा रहे होंगे कि अगर हम आपसे बात करें तो 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, सब चीजें अलग अलग हैं और इनका मायने भी है क्योंकि ये अलग अलग प्रभाव डालेंगे। तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट बात है कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, ये क्लियर हुआ। मैग्नीट्यूड को हम ये भी बताएं कि एरो के लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो लेंथ होगी वो मैग्नीट्यूड बताएगी। दूसरा आपको डायरेक्शन चाहिए, सेकेंड आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन, क्योंकि आपको फील भी कर रहा होगा कि कोई अगर आपको ऐसे तिरछा खींच रहा है तो चीजें अलग, मतलब दिशा बदली, कोई मान नहीं बदला तो अलग बातें होंगी, कोई अपवर्ड खींच रहा है अलग बातें होंगी, हॉरिजॉन्टल खींच रहा है तो अलग। डायरेक्शन बदल जाने से उसका प्रभाव बदल जाता है। जैसे अगर एक कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे, वही फोर्स, सब कुछ वही, वही फोर्स अगर ऊपर से लगा दें, वही फोर्स ऐसे लगा दें, वही फोर्स ऐसे लगा दें, सब कुछ डायरेक्शन बदलने से चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इसको पुश करना चाह रहा है, ये लोड हो गया, डिफॉर्मेशन लोड, ये फोर्स इसको आगे भी बढ़ाना चाह रहा है और लिफ्ट कराना भी चाह रहा है, ये फोर्स आगे ढकेलने के साथ साथ दबा देना चाह रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज होने से चीजें बदल जा रही। ऐसे कभी आप ट्राई करिए, रस्सी से बांध के कोई चीज खींचिए, किसी और डायरेक्शन में खींचेंगे तो कुछ और तरीके का प्रभाव आएगा, किसी और डायरेक्शन में खींचेंगे तो वो और ही प्रभाव आएगा। तो मतलब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और उसके साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो फर्स्ट आपको मैग्नीट्यूड चाहिए कि मान क्या है भाई, मान तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ सेकेंड आपको डायरेक्शन चाहिए, थर्ड आपका है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्यों इंपॉर्टेंट। देखिए चारों बातें समझे रहेंगे ना तो बहुत आसान रहेगा, बहुत मजा आएगा। जैसे आप सिंपल सा एक एग्जांपल लीजिए कि अगर हम यहां पर इसको खींचे, इस ऑब्जेक्ट को,
और इसी ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में लगा के खींचे, यहाँ पर ऐसे खींचे, उसी फोर्स से, उसी पी फोर्स से हम फिर खींच रहे हैं, क्या सारी बातें एक ही होंगी? क्या सब कुछ एक ही होगा? आप बताइए, यहाँ पर खींचना, यहाँ पर खींचना, सब एक ही बात है? क्लियरली आप सब लोग बताइएगा। नहीं सर, यहाँ पे खींचने पर, फर्स्ट वाले में खींचने पे क्या हो रहा है कि इंटायर हर एक क्रॉस सेक्शन पी से खींच रहा है। यहाँ पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर जीरो स्ट्रेस, यहाँ पे कोई नहीं खींच रहा, यहाँ पे खींचने वाला ये सब जीरो जीरो। अगर आप यहाँ बीच में खींच रहे हैं, कैसे भी ऐसे रस्सी बांध के खींच रहे हैं, तो इन सब में कोई खींचने वाला नहीं है। यहाँ इन सब सेक्शंस में फोर्स क्या है? जीरो है। हाँ, यहाँ पर भी, इसमें भी पी है, इसमें हर जगह पर पी है, हम इससे नकार नहीं सकते कि यहाँ पर हर जगह क्या है? पी है। पर इसके आगे जो है उन सब में पी नहीं है। और ये क्या करेगा? ये हर एक क्रॉस सेक्शन को पी से खींचना चाहेगा। ये क्या होगा कि इसके पीछे वाले क्रॉस सेक्शन को ही केवल पी से खींचना चाहेगा। तो दोनों में डिफरेंसेस हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस बदल देने से सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ के बजाय यहाँ लगा दिया। कोई कहेगा क्या किए हो यार, तो वो कहेगा कुछ नहीं, थोड़ी गलती हो गई, लगाना कहीं और था, किसी और पॉइंट पर लगा दिया। तो किसी और पॉइंट पर क्या आपने बदलाव किया? मैग्नीट्यूड बदल दिया क्या? ज्यादा बल लगा दियो? नहीं, मैग्नीट्यूड नहीं बदला, डायरेक्शन नहीं बदला, लाइन ऑफ एक्शन भी नहीं बदला। अगर इसका लाइन ऑफ एक्शन देखे तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसका भी लाइन ऑफ एक्शन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदला। कि कल एक हमने रस्सी का भी केस आपको किया था कि रस्सी अगर है और इस रस्सी में एंड पर आप लटक गए, इसी रस्सी में आप यहां लटक गए, दोनों में ये लटकता, इसमें नो जीरो स्ट्रेस, यहां पर क्या होगा? जीरो स्ट्रेस। पर इसमें आपके इंटायर लेंथ पर स्ट्रेस आएगा, इसमें आपके क्या होगा? इंटायर लेंथ पर स्ट्रेस आएगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये जीरो स्ट्रेस और यहां पर इंटायर लेंथ, इसमें यहां पर स्ट्रेस होगा, उसमें हम नकार नहीं सकते, पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल जाए। तो अब आपको ध्यान रखना है कि फोर्स को कंप्लीटली पहचानना है। तो कंप्लीटली पहचानने के लिए आप उसे डिमांड करोगे कि भाई ये चीज हमें बता देना, तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो किसी भी फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चाहिए। अब लाइन ऑफ एक्शन की बात करते, क्यों? क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन से चीजें क्या बदल जा रही है? क्या लाइन ऑफ एक्शन से चीजें बदल जा रही हैं? इस बात को अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पहले से कर चुके होंगे तो कंबाइंड लोडिंग का केस हमने कराया था। अगर उसी लोड को आप एसेंट्रिक लगा दे रहे हैं, सेंटर के बजाय इसेंटर हो जा रहे हैं, तो जब भी आप इसेंट्रिक लोड लगाएंगे तुरंत उसका प्रभाव बदल जाएगा, तुरंत उसका प्रभाव बदल जाएगा। चलिए, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें हम सब लोग देखते हैं कि लाइन ऑफ एक्शन का इफेक्ट क्या होगा। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट? वैकेंसीज भी आप सब लोग देखते रहें कि कहाँ पे क्या है, कैसे है, क्योंकि चीजें, आपका सिलेक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, ठीक है। तो अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए एक हम बात सोचते हैं। आप देखिए एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को सीखिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या आपका एक
ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया ऐसे, इस ऑब्जेक्ट पर आपने कोई फोर्स एफ लगाया, और जब इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, आप सोचिए एक बार, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन, इस ऑब्जेक्ट पर कहीं पर आप खड़े हो जाए, इस पॉइंट पर यहां पर खड़े होइए, क्या ये आपको पुश करना चाह रहा है, यहां पर खड़ी हो तो भी आपको पुश करना चाह रहा है, यहां पे खड़ी ये भी आपको पुश करना चाह रहा है, तो इसी लाइन ऑफ एक्शन पर अगर आप ध्यान दीजिए, तो लाइन ऑफ एक्शन पर तो ये कहेगा पुश करना, पर अगर हम ये पूछें, इससे पूछें कि क्या हाल है, तुम बताओ इस बल का क्या प्रभाव है, यहां पर हम खड़े होके पूछें, जैसे इन सब में इसके सामने ही खड़े रहेंगे, तो ये सीधे सीधे कहेगा कि हमें ये दबा रहे हैं, सिंपल, ये डायरेक्टली इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, पर अगर हम लाइन ऑफ एक्शन से हटके एक्सेप्ट द पॉइंट, एक्सेप्ट द पॉइंट व्हिच इज नॉट ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, तो अगर एक ऐसे पॉइंट के अबाउट हम बात कर रहे हैं जो लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, जो लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं, उसके अबाउट अगर हम बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, तो जब आप यहां खड़े होंगे और इससे बात करेंगे, तो आप बताइए ये फोर्स, पहले तो इसको इस यहां पर हम एक इक्वल और अपोजिट फोर्स ऐसे एज्यूम कर लें, भैया तुम एफ हो और तुम एफ हो, आगे हम बताएंगे कि ये और ये मिलके कपल फॉर्म कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों नेट फोर्स तो जीरो है, तो इस सिचुएशन में आपका यहां पर इफेक्ट जो दिखेगा वो एफ तो दिखेगा ही दिखेगा, उसके साथ साथ एक मोमेंट भी दिखेगा, अगर बीच की दूरी डी हो, जो आगे हम बताएंगे आपको, तो ये एफ इन टू डी होगा, दो इक्वल अपोजिट नॉन कोलिनियर फोर्सेस, नॉन कोपल, दो इक्वल अपोजिट पैरेलल सेपरेटेड फोर्सेस कपल फॉर्म करते हैं, इस पर हम लोग बहुत डिटेल में गहन चर्चा करेंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जब आप लाइन ऑफ एक्शन से हटके कहीं पर बात करेंगे, किसी और पॉइंट पर जाएंगे जो लाइन ऑफ एक्शन पर नहीं है, वहां पर इस फोर्स का, फोर्स के साथ साथ एक क्या होगा, कपल मूवमेंट भी आएगा, ये दोनों इक्विवेलेंट है, फोर्स के साथ साथ एक क्या आएगा, कपल मूवमेंट भी आएगा, और फोर्स के साथ जो कपल मूवमेंट आएगा, मतलब क्या हुआ कि लाइन ऑफ एक्शन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं, क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन के हर एक पॉइंट का फीलिंग अलग होगी, और लाइन ऑफ एक्शन फीलिंग की बात नहीं, आप खुद सोचिए कि यहाँ पर कीजिए तो ऐसे घुमा देना चाहता भी है और धक्का तो देगा ही देगा, मतलब फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, पुशिंग फोर्स तो लगेगा, उसके साथ साथ एक कपल मूवमेंट भी आएगा, ठीक है, तो किसी भी फोर्स का प्रभाव उसके लाइन ऑफ एक्शन से हटके किसी एक पॉइंट पर अगर आप जानना चाहते हैं, तो वो एक अलग ही आपको क्या देगा, एक अलग ही आपको इफेक्ट देगा, तो इसलिए आपको कंप्लीटली चारों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अगर आप बदल दे रहे हैं तो चीजें बदल जा रही हैं, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन भी चाहिए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, टू डिफाइन, कंप्लीटली डिफाइन द ऑब्जेक्ट, तो आप इसी में देखें, तो ये आपका लाइन ऑफ एक्शन है, ए इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, जिसको क्रिया बिंदु कहेंगे, ये क्रिया रेखा है, और ये डायरेक्शन है, ये आपकी डायरेक्शन है, और इसकी लंबाई क्या है, मैग्नीट्यूड, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने होने वाली है, क्या होता है, थोड़ा सा पीपीटी आपका बहुत छोटा बन गया है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे आगे से चीजों को, कोई मतलब इसका निकला नहीं, खैर चलिए, थोड़ा सा आपको विजिबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के नियम, लॉ ऑफ मैकेनिक्स, अब ध्यान दीजिएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एक आधार है, फंडामेंटल है, और अगर कोई फंडामेंटल सब्जेक्ट है तो उसके सारे नियम को वेरीफाई नहीं किया जा सकता, हर एक नियम को वेरीफाई नहीं, हर एक नियम को प्रूफ, मतलब मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते, ये बात थोड़ी सी आप ध्यान रखिएगा,
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका फंडामेंटल सब्जेक्ट है और इसमें न्यूटन ने तीन ऑब्जर्वेशनल नियम दिए। ये नियम पूरे पूरे ऑब्जर्वेशनल हैं, इसका कोई मैथमेटिकली प्रूफ आप नहीं कह सकते। तो न्यूटन ने बेसिकली ऐसे पढ़े थे यार, न्यूटन बहुत मस्त वाले आदमी थे, बैठे हुए थे, हमसे मुलाकात हुई है, हालचाल हुआ था, ठीक है, दो चार बार कहे कि यार तुम तो बहुत अच्छे, थोड़ा सा जानकार लगते हो तो तुम्हें से बात कर लेते हैं, तो हमसे बात किए हो और बताए, तो कहे एक दिन ऐसे बैठे हुए थे सब, बहुत फीलिंग आ रही थी। देखिए बहुत, अगर आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हैं, हर जगह आपको चीजें दिख पा रही हैं, हाथ पैर हिला रहे हैं तो उसका भी मीनिंग आपको समझ में आ रहा है, आप बोल रहे हैं तो दूसरे को सुनाई क्यों पड़ रहा है, इसको आप समझ पा रहे हैं, इसकी अनुभूति कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं तो हम सुन क्यों पा रहे हैं, आप सोचिए कि हम आपके सामने बोल रहे हैं, आप क्यों सुन पा रहे हैं, क्या होता है, इस बात को अगर आप फील कर ले गए तो आप कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ होगा कि जब गुरुजी बोले तो हमें सुनाई पड़ा, और क्या हम आपके सामने हैं? नहीं, हम आपके सामने नहीं। तो न्यूटन काफी कुछ क्या हो रहा था कि वो चीजों को ऑब्जर्व बहुत कर रहे थे, ऑब्जर्वेशनल लॉ। तो न्यूटन के नियम सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशनल लॉ है, कोई इसका कोई ऐसा मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। ऑब्जर्वेशन में उन्होंने तीन नियम दिए, तीन नियम है, थ्री लॉज ऑफ मोशन। तो ये बहुत फंडामेंटल लॉ है, ये बेसिक्स लॉ है, इन्हीं लॉ के बेसिस पर पूरी मैकेनिक्स आगे बढ़ेगी, क्योंकि बाद में आइंस्टीन भी आए, उन्होंने थोड़ा सा आपका थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, पर अपने क्योंकि स्पीड बहुत कम है, सारी चीजें क्या है, हम स्पेस में लाइट की स्पीड की तुलना में बहुत कम है, 3×10⁻⁹ मीटर पर सेकंड से बहुत स्लो वेलोसिटी पे सारी चीजें हो रही है, 5 मीटर पर सेकंड, और कहां 3×10⁹ मीटर पर सेकंड, तो चीजें बहुत हैं। इसलिए न्यूटोनियन फिजिक्स ही हम सब लोग पढ़ रहे होते हैं, हम सब लोग आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी को नहीं, जबकि उन्होंने मास और मास को भी एनर्जी में कन्वर्ट होने को बताया कि मास अगर जला दो तो E=mc² उन्होंने एनर्जी कन्वर्जन बताया। मास भी अगर तेज वेलोसिटी से चले तो वही मास नहीं रह जाता, रिलेटिव मास कम और ज्यादा हो जाता, जबकि अभी हम अपने बेसिस पर ये समझेंगे कि हमारा मास क्या है, कांस्टेंट है, अगर टूट ना जाए तो, अगर कोलिजन ना हो जाए। पर अगर स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप सोचिए कि आइंस्टीन ने सोचा कि अगर स्पीड ज्यादा है तो मास भी, अपरेंट मास भी चेंज हो जाता, तो उतना नहीं। हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात करेंगे, जिसमें मास अगर एक्सप्लोड नहीं किया, अगर ब्रेक नहीं हुआ तो कंजर्व रहता है। उन्होंने देखा, तो उन्होंने तीनों नियम दिए, फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया, बहुत बेहतरीन नियम था, और ये कोई भी एक कॉमन सेंस वाला आदमी भी सोच समझ सकता था, ऐसी कोई बात नहीं थी, न्यूटन पहले आए तो पहले कर दी, नहीं तो हम ही अपना नियम दे देते। अब दो सोचिए, पहला उन्होंने ये बताया कि अगर कोई बॉडी, कोई भी पिंड अगर गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में बने रहना चाहती है, अगर कोई बॉडी आपकी रेस्ट में है, विराम अवस्था में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, तो वो उसी में बने रहना चाहती है। भाई चाहत को कौन कौन तोड़ेगा, अगर आपकी चाहत है, आप चाहते हैं कि हम चल रहे तो चलते ही रहें, तो क्या होगा, क्या आप हमेशा चलते ही रहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, इतना सही है बस। अगर आपकी चाहत है और आपकी चाहत नहीं पूरी हुई तो कोई ना कोई तो उसमें रोड़ा जरूर बना होगा। अगर चीजें एकदम स्मूथली चले तो कभी भी ऐसा नहीं कि आपकी चाहत पूरी ना हो। तो उन्होंने इतनी सी बात केवल कही कि कोई भी बॉडी अपनी अवस्था में बने रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इससे दूसरी बात ये निकलती है कि बल ही एक ऐसा कारक है जो अवस्था परिवर्तन करा देता है या कराने का प्रयास करता है। तो ठीक है, हर कोई बॉडी अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, यही पहला नियम है, और इसमें कुछ ही उन्होंने नया नहीं दिया, बस केवल ऑब्जर्वेशन से हर कोई अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, हम जिस अवस्था में उसी में बने रहना चाहते हैं, अब विरोध करते हैं तो क्या होगा, ये चेंज
होगा, एक ऐसा इकलौता आदमी है, एक ऐसा कोई है जो अवस्था परिवर्तित करने की कोशिश या उसके अंदर दम है कि अवस्था परिवर्तित कर सकता, वही है फोर्स। तो अगर हम ये बात देखें फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ उन्होंने कहा कि कोई नहीं भाई, हर कोई अपनी अवस्था में बने रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई एक ऐसा चीज न लगाया जाए, बाह्य बल न लगाया जाए। अब इसी से बात आती है, परिभाषा की बात करें, डिफिनिशन की बात करें, तो फर्स्ट लॉ से फोर्स डिफाइंड होता है। देखिए कैलकुलेशन अलग टर्म है, कैलकुलेशन की क्या बल लगा होगा वो सेकंड लॉ बताएगा, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड लॉ से पता चलती है। पर अगर हम इसकी डिफिनिशन की बात करें तो डिफिनिशन हमेशा हमें फर्स्ट लॉ से ही मिलता है। डिफिनिशन हमें क्या मिलता है? फर्स्ट लॉ से ही मिलता है। क्लियर बात समझ में आ रही ना? पूरी बात क्लियर हो? तो फर्स्ट लॉ ही डिफाइन करता है कि बल एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो अवस्था परिवर्तित कर सकता है या करने का प्रयास करता है या कर देता है। तो हर एक सिंपल सा उन्होंने बताया कि हर कोई बॉडी अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करना ही इनर्सिया। इनर्सिया क्या है? कुछ नहीं, जड़त्व, जड़ता, जड़। जैसे आप अगर देखें रूट देखें किसी भी पेड़ का, तो रूट कहता हम कहीं जाना नहीं। अगर वही रूट ना हो तो पेड़ उखड़ सकता है, उड़ सकता है, मूव कर सकता है। जड़ आपका क्या करता है? उसको बांध के वहीं पर बनाए रखता है। तो जड़त्व यहीं से निकल के आता है। हिंदी की भी आप टर्म समझिए तो लॉ ऑफ इनर्सिया। इनर्सिया कुछ नहीं है, इनर्सिया एक ऐसा गुण है, इनर्सिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, रेजिस्टेंस टू चेंज इन स्टेट इज नोन एज इनर्सिया। बस जैसे जिसकी इनर्सिया, अब कैसे नापें, कैसे हम इनर्सिया को मेजर करें? तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास क्या होगा? ज्यादा होगा, उसकी इनर्सिया ज्यादा होगी। ठीक है, क्वेश्चन यहीं पे, इसी फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते। क्यों कहते? बात कर लेंगे यार, टेंशन ना लो, सब चीजें बहुत धीरे धीरे समझो, जल्दबाजी नहीं है, सही समझो, कंप्लीट समझो। ठीक है, चीजें समझ पा रहे हैं क्या हम कहना चाहते हैं? आप भी चाय पी लो, चाय मंगा लो, चाय पी लो। मम्मी पापा अभी आपके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, आप तो उनके लिए कुछ करने लायक हो नहीं, औकात तो कुछ आपकी अभी बनी नहीं है। अपनी औकात बनाइए, अपनी पहचान बनाइए, और कुछ अपने देश और अपने देश दुनिया छोड़ो यार, आप अपने परिवार के लिए बहुत बेहतर करिए, आप अपने परिवार के लिए बहुत बेहतर करिए, आप अपने दोस्त के लिए कुछ अच्छा करिए, इतना ही बहुत है। इतने कर्तव्य हैं, इतनी ड्यूटियां हैं, किस किस ड्यूटी को आप पूरा करें सारी, मतलब ऐसा नहीं कि आपकी ड्यूटी नहीं, आपकी अपनी फैमिली ड्यूटी रहती है, आपकी अपनी सोशल ड्यूटी रहती है, आपकी फ्रेंडशिप की ड्यूटी रहती है। आप ईमानदारी कुछ तो पूरा करें, नहीं पढ़ना है, मन ही नहीं कर रहा है, पढ़ना नहीं है, मुंह बना के आ जाएंगे, बाद में कहेंगे गुरुजी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, गुरुजी इतनी मेहनत से कर रहे हैं, खैर गुरुजी भी बहुत ज्यादा बदमाश है, ऐसा टेंशन मत लीजिए, गुरुजी ने अपनी जिंदगी में भी तबाही मचा रखी है, तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए, आपको कहीं हमारे बारे में जानना हो, कहीं पर भी हमारे बारे, तो हमारा नाम डालिए, यूट्यूब चैनल्स भी आपको मिल जाएंगे, वहां पे हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। आने वाले समय में हम अपने उस प्लेटफॉर्म पर और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म इनर्सिया क्या है, व्हाट इज इनर्सिया, फिर चीजें आगे बढ़ाएंगे। तो इनर्सिया कुछ नहीं, अवस्था परिवर्तन का विरोध ही इनर्सिया है। इनर्सिया एक ऐसा गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध कर। अब भाई प्रॉपर्टी है तो मेजर करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज को हम ध्यान रखिएगा, कभी भी प्रॉपर्टी वर्ड आएगा तो मेजर करना पड़ेगा। अब मेजरिंग, जैसे मेजर करने की बात आएगी तो ध्यान रखिए इनर्सिया को मास से मेजर करते। इनर्सिया को किससे मेजर करते? इनर्सिया को मास से मेजर करते हैं। जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्सिया ज्यादा होगी। अब सोचिए
मतलब अगर आपको दो आदमी, दो आपके दोस्त हैं, एक खूब मोटा सा और एक पतला सा, हल्का सा, उड़ा दिए इसे फूंक के, तो अगर आपके पास दो दोस्त हैं, किसी दोस्त से कहो चल चल भाई चल चल, अरे कहाँ चले चल, तो तुरंत एक जो हल्का होगा वो तुरंत कहेगा चल भाई चल उठा, वो तुरंत मोटका कहेगा अरे कहाँ जाना है भाई, कुछ बताओगे कहाँ जाना है, क्या करना है, कई बहाने, अरे नहीं हमें मत ले जाओ यार, तुम सब लोग अपने देख लो, नहीं नहीं चलो तुम्हारे बिना नहीं होगा, वो दो चार और बहाने बनाए, अरे यार आज हम नहाए नहीं, हम ये नहीं किए वो नहीं किए, तो जिसका मास ज्यादा है उसकी इनर्सिया ज्यादा होगी। इसके उल्टा भी समझिएगा, अगर एक हल्का लड़का और एक मोटा सा लड़का, मतलब दोस्त जो आपका है, दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं, मस्ती से चल रहे हैं, काश वो दिन आपके अंदर रहे, आप कहीं ना कहीं जिंदा रखें अपने अंदर कि आपके साथ ऐसे दोस्त रहे जो आपके साथ शाम को सुबह को घूम सके, ऐसी जिंदा दिली रखिए। खैर चलिए, बहुत कम लोगों को मिलता है अपने दोस्तों के साथ रह पाना, ठीक है, हमारे लिए भी ऐसा ही है, खैर हम तो बहुत सिंपल ही रहे हैं। तो इसके बाद दो दोस्त आपके चल रहे थे, मोटा था एक, खूब मोटा था एक, पतला था, आप सोचिए कि आपको रोकना है, दोस्तों को रोकना है, किसको आप आसानी से रोक ले जाएंगे। देखिए अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो स्टेट ऑफ मोशन में जाने पर विरोध जिसका मास ज्यादा है वो ज्यादा करेगा, पर दूसरे तरीके से भी अगर हम देखें कि अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मोशन में हैं तो हल्के वाले जिसका मास कम है उसको रोकना आसान है, मतलब उसने अवस्था परिवर्तित करने में ज्यादा विरोध नहीं दिखाया कि भाई चल रहे रोक लो, पकड़ लो ऐसे कस के रोक लो। मोटा वाला क्या करेगा कि वो अगर चल रहा है उसको पकड़े रोकने के लिए आपको तीन चार पांच कदम वो ढकेल देगा, पहले रुकते 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 रुकते, ठीक है। तो ऐसे रोलर अगर चल रहा है, वो बाइक चल रहे तो रोलर चलाना भी कठिन है, लेकिन अगर चल रहा है तो रोक पाना भी कठिन है, बात समझ में आ रही। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा, इनर्सिया ये नहीं होता है कि केवल स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन, वो ये बताता कि जिस भी हम स्टेट में है उसका परिवर्तन मत करो, नहीं विरोध करेंगे, पर ये नहीं कि विरोध है तो कुछ बदलाव होगा ही नहीं, उसके लिए बल है, उसके लिए क्या है, तो बदलाव लाने के लिए जो कारक रिस्पॉन्सिबल है वही फोर्स है, मतलब फर्स्ट लॉ आपके फोर्स को डिफाइन करता है, क्वालिटी वाइज एक ऐसी चीज को बता पाता है कि हम ही हैं जो अवस्था परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट लॉ क्या है, तो फर्स्ट लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्सिया, और फर्स्ट लॉ क्या है, एवरी ऑब्जेक्ट रेजिस्ट टू चेंज इट्स स्टेट, इतनी सी बात है, एवरी ऑब्जेक्ट हर एक पदार्थ, एवरी बॉडी रेजिस्ट टू चेंज इन स्टेट, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, फील करना है दो चार बातें और फील करनी। अभी देखिए एक कार है और एक आपके पास ट्रक है, कार और ट्रक दोनों में हम बात करें तो कार को स्टेट ऑफ रेस्ट से मूविंग कंडीशन में लाना आसान है, ट्रक को उसकी तुलना में कठिन है क्योंकि मास दोनों का अलग अलग है, बात समझ में आ रही ना, क्लियर हो रहे हो सब, तो हर कोई चीजें बहुत अलग अलग चीजें आप समझ रहे हैं। ऐसे एग्जांपल की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेट ऑफ रेस्ट में है और स्टेट ऑफ मोशन में लाना, तो ये आपका कार की बात होगी, अगर कोई स्टेट ऑफ मोशन में है उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाना, तो जैसे आप सोचिए कि आप अपना शर्ट ऐसे झाड़ रहे थे, उसके अंदर आपके धूल के पार्टिकल भी इन सब होल्स में है, डस्ट पार्टिकल भी है, तो अब जब आप ऐसे मूव करा रहे थे तो डस्ट पार्टिकल और आपका शर्ट दोनों साथ साथ मूव कर रहे थे, पर जब आप उठाए, शुरुआती दौर की बात करें, जब आप उठाए तो पहले तो सबको स्टेट ऑफ रेस्ट में था, शर्ट भी स्टेट ऑफ रेस्ट में और धूल भी, आप उठाए और अचानक ऐसे बल लगा के, ऐसा नहीं कि वो अपने से हो गया, आपने बल लगा के ऐसे मोशन कराया, अब उस दौरान शर्ट को आप पकड़े, शर्ट तो मोशन आएगा ही, शर्ट एक दूसरे से बंधे हुए धागे,
क्यों आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन क्या डस्ट पार्टिकल पर आपने बल लगाया? नहीं, तो डस्ट पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और थर्ड पर आपने बल लगाया तो वो आपका क्या होगा, मूव करना चाहेगा, तो दोनों में टकरार होगी, तो टकरार में अलगाव होगा। तो डस्ट पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में बने रहने के कारण, बने रहने की चाहत के कारण, अब कोई सर्ट ने उसको कस के पकड़ रखा तो वो भी चलेगा, क्या हो बल लगाए तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन ज्यादातर पार्टिकल को तो नहीं कस के पकड़ा है, और जब कस के नहीं पकड़ा तो स्टेट ऑफ रेस्ट में तुम रहो, अलग हो जाओ हमसे। तो यही होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में अगर हम ले जाते हैं बल लगा के, तो दोनों में सेपरेशन। ऐसे अगर हम कार या बस में बैठे हुए, बस में बैठे हुए चल रहे हैं, मजा आ रहा है, बाहर की क्या हरियाली है, इस समय आपका गेहूं का खेत चारों तरफ दिखाई दे रहा है, सरसों के फूल दिखाई दे रहे हैं, होली का त्योहार आने वाला है, कितना बेहतरीन सीजन है, सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े, अब इसी में आप आसानी से आगे देखते हुए जा रहे हैं, तब तक गौ माता आ गई, तब तक ये गाय आगे सामने आ गई। अब देखिए सब कोई चल रहा है, सब कोई गतिमान अवस्था में है, सब कोई गतिमान अवस्था, हर कोई स्टेट ऑफ मोशन में है। जैसे आया तुरंत ब्रेक लगाई, ब्रेक किस पर लगाया गया, ब्रेक को ड्राइवर ने ब्रेक को अप्लाई किया किस पर, बस पर, आप पर थोड़ी लगाया गया। जब बस पर कोई बल लगाया गया तो ये गारंटी है कि वो बस की अवस्था तो परिवर्तन होना तय है, क्यों, क्योंकि उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया। उसने कहा हम चल रहे थे, हम मोशन में थे, पर जब भी ब्रेक अप्लाई किया गया तो ब्रेक के लगने से हम पर बल लगा, और बल लगा तो हमारी अवस्था बदल ली, तो उस समय आपका बस स्लो हो जाएगा, बस की स्पीड कम हो जाएगी, या बस रुक भी सकता है, लेकिन आपको किसने बल लगाया, आपको किसी ने बल नहीं लगाया। अब उसी में सीट बेल्ट बांधे तो वो बांध के वो तो बल लगाएगा ना कि कहां जा रहे हो, लेकिन अगर सीट बेल्ट नहीं है तो आप पर किसी ने बल नहीं लगाया, और आपकी इच्छा रहेगी कि हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम तो बस जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, मतलब हम गतिमान अवस्था में बने रहना चाहेंगे, और कोई बल नहीं लगा तो आप जब मोशन में ही रहेंगे, आपका स्पीड, आपका स्टेट चेंज नहीं होगा, तो आपका सर आगे टकरा जाएगा। इसी का उल्टा जब आप रुके रहते, समझ पा रहे ना, जब वो रुका तो आप तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, तो आप तो आगे बढ़ के, आगे कौन, सर टकराएगा। ऐसे अगर आप रुके हुए हैं बस में बैठे हुए हैं, और बस अचानक चल दे तो आप पीछे की तरफ, कहां ले जा रहे हो, हम नहीं मोशन करना चाहते, लेकिन बस कह रहा कि हमें तो यार जबरदस्ती ले जाया जा रहा है, तो पीछे की तरफ आप धक्का देते हैं, क्लियर हो रहा है ना सारी चीज। तो बस इतनी सी बात थी, फर्स्ट लॉ और कुछ नहीं। फर्स्ट लॉ एक बात और, फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्सिया भी कहते हैं। इनर्सिया कुछ नहीं है, इनर्सिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। इनर्सिया को मास से मेजर करते हैं, और फर्स्ट लॉ ही फोर्स का डिफिनेशन देता है, फर्स्ट लॉ ही फोर्स को डिफाइन करता है, मेजर नहीं करता, डिफाइन करता है, परिभाषा देता है। तो क्वालिटी वाइज गुणवत्तापूर्वक बात, तो क्वालिटेटिव डिफिनेशन फोर्स का फर्स्ट लॉ से मिलता है, जबकि क्वांटिटेटिव अगर बात करें कि मात्रात्मक आकलन कौन करता है, तो क्वांटिटेटिव जब आपका बात आएगी तब हम लोग पढ़ेंगे, सेकंड लॉ से पता चलेगा, तब किसे पता चलेगा, सेकंड लॉ से, क्लियर है, पढ़िए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन, और टोटली बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। ऑल द लॉज ऑफ मोशन is totally based upon observation of the Newton. Completely आपके Newton के observation पे है। तो अगला लिखा है, इसी का first law आपकी heading है, या इसी को law of inertia भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? Law of inertia। और बात यहीं से आगे बढ़ती है, क्या every object will remain at rest or in uniform motion in a straight line? हर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन में बने रहना चाहता है,
अनलेस कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब बाध्य किया गया हो, जब तक कि कंपेल्ड बाध्य ना किया गया हो टू चेंज इट्स स्टेट बाय एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। तो फर्स्ट लॉ को ही लॉ ऑफ इनर्सिया कहते हैं और ये बताता है सिंपल कि एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट, हर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा और इन यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन में रहेगा जब तक कि इसको बाध्य ना किया जाए, जब तक कि अनलेस कंपेल्ड टू चेंज स्टेट बाय एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि इसको कोई बाह्य बल द्वारा बाध्य ना किया गया। नोट करके नोट ही दिलाएंगे। नोट अगला, इफ देयर इज नो नेट फोर्स, अगर कोई नेट फोर्स नहीं है, कोई बाह्य बल नहीं है, तो हम जैसे हैं वैसे बने रहेंगे। हाँ, जब भी आप बल बदलोगे तब हम में चेंज आएगा। तो आगे, इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी बाह्य बल ना लग रहा हो, नेट फोर्स की बात चल रही है, नेट समझते हैं ना भाई, कोई हमें इधर खींचा, उतने से कोई इधर खींचा, तो ऐसा नहीं कि हम पे बल नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं कि हम पे बल नहीं लग, बल तो लग रहा है पर नेट फोर्स जीरो है, जितना उधर उतना इधर, और कोलिनियर इक्वल अपोजिट और क्या है कोलिनियर। तो अगर कोई नेट फोर्स नहीं है और हम अपने आप को डिफॉर्मेबल नहीं, रिजिड बॉडी की तरह बात करें, जबकि हम डिफॉर्मेबल है भाई, ऐसा खींचना मत, हम डिफॉर्मेबल हैं, जब भी आप खींचोगे हम विरोध करेंगे, अगर जब लोग मिलके भले इक्वल नेट फोर्स जीरो है तो हम फट सकते हैं, हम डिफॉर्मेबल हैं, पर रिजिड अगर होता तो कह रहा कुछ नहीं कर पाओगे, नेट फोर्स अगर जीरो तो कुछ ना कर पाओगे। तो अब ध्यान दे, इफ देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, इफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, इसका मतलब हो कि हर कोई एक्सटर्नल बल एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल आउट, देन ऑब्जेक्ट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी, या तो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा, या फिर अगर इसी में कहें एंड इफ द वेलोसिटी इज जीरो देन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। तो अगर कोई नेट बाह्य बल ना लग रहा हो तो आप जिस अवस्था में जिस वेलोसिटी में उसी वेलोसिटी में बने रहेंगे, वही वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है। तो अगर आप जीरो वेलोसिटी मतलब रेस्ट में है और नेट फोर्स भी नहीं लग रहा है तो आप रेस्ट में बने रहेंगे, रेस्ट से मोशन कराना है तो नेट फोर्स जरूर आना चाहिए। फोर्स ही एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट है जो आपकी अवस्था परिवर्तित कर सकता है। ये आपकी बात हुई। सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी बोला था, सेकेंड लॉ में कोई नई चीज नहीं बताई गई, सेकेंड लॉ एकदम बेसिक था, वो भी पूरा ऑब्जर्वेशनल था, सेकेंड लॉ भी ऑब्जर्वेशनल। तो इसी बीच हम एक और नया टर्म देखते हैं, मोमेंटम। इसी में हम क्या देख रहे हैं, मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम को जनरली एल से दिखाया जाता है, लीनियर मोमेंटम किसे दिखाया जाता है, एल से दिखाया जाता है। तो लीनियर मोमेंटम आपका एल है, और मोमेंटम क्या होता है, हिंदी में आप सब लोग कई बार पढ़े होंगे, इसको हम संवेग कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संवेग। बात समझ में आ रही? तो लीनियर मोमेंटम को हम सब लोग क्या कहेंगे, संवेग कहेंगे। और ये क्या होता है, ये किसी भी बॉडी के मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। क्या होता है, ये मास और वेलोसिटी का गुणनफल होता है। तो लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसी को पी से भी दिखाया जाता है कहीं कहीं, तो पी इक्वल टू एम इंटू वी। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, मास आपका द्रव्यमान हो, ये वेलोसिटी, m आपका स्केलर क्वांटिटी है, जो v की आपकी वेलोसिटी, जैसे ये 5, 10, 15 कुछ रहेगा। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन मोमेंटम की, वेलोसिटी की जो भी डायरेक्शन होगी वही सेम डायरेक्शन क्या होगी, मोमेंटम की भी होगी। बात समझ में आई? तो मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी,
एंड सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी देन मोमेंटम मस्ट बी अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम इज विल बी डिफरेंट बट डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में ही क्या रहेगा, मोमेंटम रहेगा। तो मास और मोमेंटम, तो उन्होंने सेकेंड लॉ जो बताया, बहुत आसान चीजें बताई, बहुत आसान बातें बताई। फर्स्ट लॉ कुछ नहीं भाई, अवस्था परिवर्तन कराना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा और बल की डेफिनेशन फर्स्ट लॉ से मिल गई। सेकेंड लॉ आपको क्या बता रहा है कि जो एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है, जो बेसिक बोल रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखिएगा, ये इनका पहला और मेन स्टेटमेंट था न्यूटन का। उसको बाद में आप परिवर्तित करके कुछ भी कर लो, वो आपका विषय है, पर न्यूटन का मेन ऑब्जर्वेशन ये था कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है। इतनी सी बात है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकेंड लॉ की जो बात करेंगे, सेकेंड लॉ आपको बहुत बेसिक चीजें बताता है। सेकेंड लॉ क्या बताता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। इतनी सी बात है, किसी भी बॉडी पर फोर्स नहीं, फोर्स नहीं। आगे हम बताएंगे कि नेट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पर अभी तो आप समझिए कि रिजल्टेंट कुल मिला जुला कि भैया इतना फोर्स लगा। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज। अब रेट जब भी वर्ड बोलेंगे टाइम के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, जब भी वर्ड आपसे रेट बोलेंगे, रेट का मतलब ये नहीं कि 5 रुपए किलो, रेट का मतलब टाइम के सापेक्ष डेरिवेटिव। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स, या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी पिंड पर नेट बाह्य बल, नेट बाह्य बल, परिणामी बाह्य बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और उन्होंने फिर ऑब्जर्वेशन किया, तो ऑब्जर्वेशन में आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 आ गया, तो इक्वल, अब पहला मेन स्टेटमेंट यही था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब 1 आया तो ये आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेट एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट एक्सटर्नल फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर। और यहीं से हम बातों को और आसान करते जा रहे हैं, यहीं से चीजें क्या होंगी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स, यहां एम अगर देखें तो एम डीवी अपॉन डीटी। आप डिफरेंशिएशन तो जानते ही होंगे, एक बार हमें रखो दोबारा तोड़ो, एक बार तुम्हें रखो दोबारा, तो यहां पर आपका v dm upon dt, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान सी बात, ये बातें भी सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100% सही है। पहला आया था प्रोपोर्शनल, फिर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हट गया, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप एम डीवी अपॉन डीटी प्लस वी डीएम अपॉन डीटी लिख सकते MdV/dt अब इसी से बात आती है कि dm upon dt, generally mass क्या होता है? Mass आपका कंजर्व रहता है। Mass equal to in general क्या रहता है? Constant रहता है। अभी ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्ट का, हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स जितने पढ़ रहे होते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, इन जनरल रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी बोल दिया गया तो मास जनरली कंजर्व हो गया, क्योंकि रिजिड में कोई डिफॉर्मेशन नहीं, कहीं कुछ टूटना नहीं। हाँ, जब एक्सप्लोशन का केस पढ़ेंगे, जब रॉकेट ट्रांसमिशन की बात करेंगे, जब आप कहीं साइंटिस्ट होके रॉकेट को लॉन्च कर रहे होंगे, तो रॉकेट में मास आपका वेरिएबल होता है, तो
तो जब मास वेरिएबल होगा तो यही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, पर मास जनरली आपका फॉर रिजिड बॉडी मास इज कॉन्स्टेंट, यहीं पे आप लिख सकते हैं फॉर रिजिड बॉडी, क्योंकि हम रिजिड बॉडी की एनालिसिस करेंगे तो फॉर रिजिड बॉडी मास इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड इन मास इक्वल टू कॉन्स्टेंट देन दिस वैल्यू इक्वल टू जीरो, this value equal to zero because the mass is constant and rate of change of mass equal to zero. तो यहाँ से एक final बात निकल के आएगी, net external force equal to m and dB upon dt जो होता है वो a होता है, वही क्या होता है acceleration. तो acceleration क्या होता है, rate of change of velocity, rate of change of velocity is known as acceleration. तो ये आपका फाइनल स्टेटमेंट बाद में निकल के आया और ये एक कंडीशनल बात है कि किसी एक रिजिड बॉडी पर नेट, रिजिड बॉडी मतलब मास आप कंजर्व मान के चल रहे हैं, अगर मास कंजर्व नहीं है तो ये वैलिड नहीं है. कहीं भी ध्यान दीजिए, जहां एक्सप्लोशन का केस होगा वहां ये आप बात नहीं लगा सकते. क्रिकेट से बैट बॉल खेल रहे हैं, जब तक क्रिकेट बॉल नहीं फटेगा तब तक तो चीजें ठीक है कि मास बॉल का कंजर्व रहेगा, पर अगर बैट से आपने मारा और बॉल फट गया तो वहां मास बदल गया, और मास बदल गया तब ये नहीं सही है, तब ये सही. मास इज वेरिएबल इन दैट केस. तो ये ध्यान रखिए, फॉर अ रिजिड बॉडी इफ मास इज कॉन्स्टेंट, और रिजिड बॉडी बोले तो मास कॉन्स्टेंट बोलना कोई जरूरी नहीं है, वो बाई डिफॉल्ट है. फॉर अ रिजिड बॉडी नेट external force is the product of mass and acceleration of the body. ये second law का final, पर initial अगर ये दोनों बातें दी जाएं तो आपको यही टिक करना है. अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि मास तो भाई मास है, जो भी आप तौल लिए मास आ गया. एक्सिलरेशन अगर पता चल जाए, किसी को आपने बल लगाया और उसका एक्सिलरेशन पता चल गया, तो आप ये बता सकते हैं कि कितना बल आपने लगाया होगा. आप इससे ये जान पाएंगे कि कितना फोर्स आपने लगाया होगा एक्सपेरिमेंटली. जैसे मास आपको पता होगा, और अगर बल लगाने से आपको ये पता चल जाए कि कितना एक्सिलरेट किया है, तो आप आसानी से ये बता सकते हैं कि इतना बल लगाया गया होगा. तो यहां से अगर हम सेकेंड लॉ से क्या पाए, सेकेंड लॉ से ये पाए कि हम फोर्स कितना लगाए उसको नाप सकते हैं, फोर्स का हम मेजरमेंट कर सकते हैं. तो मेजरमेंट आपका फोर्स का सेकेंड लॉ से पता चलता है. ध्यान रखिएगा, फर्स्ट लॉ क्वालिटी वाइज डिफाइन करता है और सेकेंड लॉ क्वांटिटी वाइज मेजर करता है. तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, सेकेंड लॉ से. क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स किससे होता है, सेकेंड लॉ से, एंड क्वालिटेटिव डिफिनीशन जो होता है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से होता है. क्लियर हो गई ना बात. अब जैसे इसी में है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. मान लीजिए हमने सेम बल लगाया, जिसका मास ज्यादा होगा, देखिए इन दोनों का गुणनफल है फोर्स, तो सेम अगर फोर्स लगाए, अब तुलना की बात कर रहे हैं, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें एक्सीलरेशन कम होगा, उसकी वेलोसिटी में परिवर्तन कम होगा. एक्सीलरेशन क्या है, वेलोसिटी परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है. तो जिसका मास, अगर हमने सेम बल लगाया तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी में, पर भाई हम कम है तो तुम ज्यादा हो जाओ क्योंकि बराबर बराबर आना है. तो जिसका मास कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा. एग्जांपल की बात करें कि अगर आपके पास ट्रक और कार दोनों है, दोनों को आपने सेम बल से धक्का दी, तो ट्रक का मास ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन कम होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज कम होगा, और कार का मास कम है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज ज्यादा होगा तुलनात्मक रूप से. इसकी दूसरी बात भी अगर हम देखेंगे, सेम एक्सीलरेशन कराने के लिए, सेम एक्सीलरेट कराने के लिए हम सेम एक्सीलरेशन चाहते हैं कि दोनों में वेलोसिटी का चेंज सेम हो, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा. अगर आप सेम एक्सीलरेशन चाहते हैं तो जिसका मास ज्यादा होगा उसमें बल आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लगाना पड़ेगा.
बात समझ में आ गई ना एकदम से? तो ये बात थोड़ी सी आप देख लीजिए, ऑब्जर्वेशनल भी बातें को सीख लीजिए, पढ़ते रहिए। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन? तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, इसमें लिखा भी अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द अनबैलेंस फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये इनका एकदम बेसिक स्टेटमेंट था। नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, नेट अनबैलेंस फोर्स इज क्या होगा? प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज की क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। कौन? नेट अनबैलेंस फोर्स। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होगा। और ये प्रोपोर्शनल होगा, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पहला स्टेटमेंट जो आया था नेट एक्सटर्नल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, एंड सिंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज 1 तो इक्वल भी लिख सकते। पर बेसिक स्टेटमेंट वाज दैट द अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन से उन्होंने देखा तो ये सारी चीजें, वो प्रोपोर्शनलिटी बाद में जब न्यूमेरिकल वैल्यू देखा तो इक्वल कर दिया, तो ये आपका आ गया। फाइनली जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दोनों टर्म आएगा, जैसे रिजिड बॉडी बोलेंगे ये जीरो हो जाएगा और ये एम ए के बराबर आ जाएगा। तो आगे इसी में आप और थोड़ी सी बातों को देखिए, थर्ड लॉ हम चलो बाद में करेंगे। तो बिकॉज इफ द बॉडी इज रिजिड, जब बॉडी क्या होगी? रिजिड होगी, एम इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम डी बी अपॉन डी टी एंड एम इंटू ए के बराबर, मास इंटू एक्सीलरेशन, F equal to M into A. F vector, अब इसी में देखें तो net force जो होगा वो acceleration vector की direction में होगा। Net force acceleration vector की क्या होगा? Direction में होगा। आगे, then आप कह सकते larger force is required, ज्यादा बल की जरूरत पड़ेगी जिसका मास ज्यादा होगा for same acceleration. Larger force is required for heavier mass. हैवियर मास के लिए लार्जर फोर्स रिक्वायर्ड हो, एंड स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉलर मास। जिसका मास ज्यादा उस पर सेम एक्सीलरेशन के लिए ज्यादा बल लगाना होगा, जिसका मास कम उस पर सेम एक्सीलरेशन के लिए कम बल लगाना पड़ेगा। लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज एक्सीलरेशन, दूसरे तरीके सेम मास अगर है, वही मास है, ज्यादा एक्सीलरेट करा सकते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉर सेम एक्सीलरेशन भी लिख सकते हैं। कि अगर सेम एक्सीलरेशन की बात करें तो जिसका आपका क्या होगा, मास ज्यादा उसमें बल ज्यादा लगाना होगा, जिसका मास कम उसमें बल कम लगाना होगा। आगे, लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज एक्सीलरेशन एंड स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल एक्सीलरेशन फॉर द गिवन मास। तो अगर आपका गिवन मास है तो गिवन मास में एक बात ध्यान रखिएगा, गिवन मास में ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक्सीलरेशन ज्यादा कराना चाहते हैं, कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी अगर आप एक्सीलरेशन कम कराना चाहते हैं। तो लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज एक्सीलरेशन, स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्मॉल एक्सीलरेशन फॉर गिवन मास। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, थर्ड लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, If you use the same force to push a truck, वही बल आप किसी ट्रक को पुश करने के लिए यूज करें। If you use the same force to push a truck and push a car, वही बल आप एक ट्रक को पुश करने के लिए यूज करें और एक कार को पुश करने के लिए यूज करें, तो कार विल हैव मोर एक्सीलरेशन देन द ट्रक। तो क्या होगा, फोर्स आपने कॉन्स्टेंट लगाया, जिसका मास कम है उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा हो गया, जिसका मास ज्यादा उसमें एक्सीलरेशन कम हो गया। ट्रक का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सीलरेशन कम हुआ, कार का मास आपका क्या है,
कम है तो उसमें एक्सीलरेशन ज्यादा हुआ। तो क्या लिखा, इफ यू यूज द सेम फोर्स टू पुश अ ट्रक, सेम वर्ब फोर्स को आप क्या कर रहे हैं, ट्रक को पुश करने, एंड पुश अ कार, द कार विल हैव मोर एक्सीलरेशन देन द ट्रक बिकॉज द कार हैज लेस मास। ठीक है, तो अब हम सब लोग आज यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आगे फिर हम सब लोग नेक्स्ट लेक्चर ले आएंगे जिसमें थर्ड लॉ की बात होगी। थर्ड लॉ को बहुत डिटेल में भी और भी समझेंगे। सेकेंड लॉ आपको क्या करता है, मेजरमेंट देता है फोर्स का, और फर्स्ट लॉ आपको डिफाइन करता है। ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। थर्ड लॉ को हम सब लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन की बात करेंगे। तो आज इतना ही करते हैं, आप रेगुलर क्लास अटेंड करें, चीजें बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके समझी भी जा सकते हैं। अभी थ्योरेटिकल अप्रोच चल रहा है, न्यूमेरिकल भी आप देख के बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत धन्यवाद।